शहर के विभिन्न जगहों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वट सावित्री पूजा। बता दें कि आज कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के तेजा टोला स्थित भाजपा नेत्री के आवास पर भाजपा नेत्री नेहा किरण के साथ कई महिलाओं ने अपने पति के लंबी आयु को लेकर वट सावित्री पूजा की। कहा जाता है कि वट सावित्री पूजा करने से सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती है। सुबह नहाने के बाद पूरे 16 श्रृंगार कर सजी हुई थाली को लेकर बरगद पेड़ के नीचे पूजा करती है। रुकिए रुकिए रुकिए, इसी तरह रहना। उतार देती है सास को। हाँ। नहीं देती है। हम दीदी दे सकते हैं। हाँ। हो गया। दीजिए आंटी हमको। पांच आदमी कैसे पुरता बता था। अब रखिए हाँ। जितने को कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे ग्रहण करके शक्तियों से घिरे हुए वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम करके सब माधव मंदिर चढ़ा तुम्हें युक्त बनने का समय आ गया है। मुझसे
कि हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है उनका चरित्र आप मुझसे कहिए जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो जो स्त्रियों के पाति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री रवि 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 रवि।